वाह भाई, रूम आ गया लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम धासा। अभी हम हैं नेपाल में और हम अपना जर्नी जो है स्टार्ट किए थे राउरकेला से, उड़ीसा से, और अभी हम लोग हैं मुस्तांग में। मुस्तांग एक जगह है जहाँ पे लगभग ऐसे ऐसे व्यूज मिलेंगे आपको, बहुत ही खतरनाक रोड मिलेंगे जैसे कि आपको पहले वीडियोस में देखा अभी। और अभी हम जो है वो जगह का नाम है घासा, यहाँ से हम जाने वाले हैं और ऊपर टॉप पे। और आज हम आपको एक जगह लेके जाने वाले हैं जहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं, उस जगह का नाम मैं बताऊंगा नहीं अभी, आपको जाने के बाद मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा आपको जगह क्या है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूरज निकल ही रहा है, जस्ट अभी नहीं था, अभी जस्ट निकल रहा है, तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट कल रात में कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफी किया गया था ठंड में भी, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब दिसंबर में अगर आ रहे हो या फिर जनवरी फरवरी में आ रहे हो तो ये जैसे आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन दिखेगा नहीं, ये पूरा स्नो से ढका हुआ रहेगा। अभी से ही बहुत ज्यादा ठंड है। अभी जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्नो माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक तरह से राजमा दाल जैसा है जो यहाँ पहाड़ों में उगती है और यहाँ के लोग इसको खाते हैं सब्जी के फॉर्म पे, सब्जी बना के इसकी, जिसको बोलते हैं तरकारी। और ये जितने भी है ये सब यहाँ पे उग रहा है, तो यहाँ से वो तोड़ के लेके आ रहे हैं। तो अभी निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से सीधे जाएंगे मुक्तिनाथ। अभी मुक्तिनाथ में करेंगे दर्शन, उसके बाद निकलेंगे उस जगह के लिए। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि रास्ता उतना खराब नहीं है पहले जैसा, तो बढ़ते हैं मंजिल की ओर। तो ये है यहाँ का घासा का चेक पोस्ट, जो कि यहाँ पे आपका चेक होगा, जो कि आप परमिट जो बनाए थे हम मुक्तिनाथ आने के लिए, और वैक्सीन का 2 डोज का सर्टिफिकेट, और ड्राइविंग लाइसेंस, और आपका भंसार, ये यहाँ पे चेक होगा आपका, और उसके बाद ही आपको आगे जाने मिलेगा। तो परमिट का जो आधा पार्ट है वो यहाँ रख लेंगे और आधा पार्ट आपको देंगे जो आगे चेक होगा वहाँ। तो मुक्तिनाथ का जो परमिट है वो हमने पोखरा से ही बनाया था, तो ऐसा गलती मत करना, आप पोखरा में ही जो है मुक्तिनाथ का जो परमिट है वो बना देना ऑफिस से, टूरिस्ट ऑफिस से, क्योंकि यहाँ आपको फिर डबल चार्ज लग जाएगा, 2000 रुपीज लग जाएगा। भाई जन्नत मिली है अपने को, रोड, वाह मजा आ गया भाई, हाथों को थोड़ा ठंडक मिला है, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पूरा लग रहा है पैरालाइज्ड हो गया हाथ, दर्द से कांप रहा है, सुबह सुबह ऐसा हाल हो गया। ओ भाई क्या रोड है भाई, वाह मजा आ गया यार, वाह। मेरा गाड़ी कल से 30 के ऊपर गया नहीं है, अभी जा रहा है, 50 जाएगा, 50-60 भी जाएगा। यहाँ का जो पहाड़ है ये लद्दाख जैसा तो नहीं है लेकिन है कुछ वैसे ही, और पूरा जो एरिया है वो जैसे लग रहा है कि लद्दाख वाला ही एरिया है, तो कुछ डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं है, बस रोड का ही डिफरेंस था क्योंकि रोड बहुत ही खराब था, अभी थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, आगे भी बोल रहे कि ऐसे ही लगभग कुछ है। तो लद्दाख का थोड़ा बहुत याद आ रही है जैसे व्यूज थे आगे के, वो बाइकर जा रहा है आगे से उड़ते हैं।
अभी हम लोग आ चुके हैं मार्फा गांव। ये कुछ थोड़ा सा अलग गांव है जो आपको मैं दिखाऊंगा थोड़े ही देर में। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है ये, और यहाँ पे एप्पल्स बहुत होते हैं यहाँ पे। और हम एंटर कर चुके हैं मार्फा के अंदर, थोड़ा सा घूमते हुए जाते हैं मार्फा। वाह भाई, रूम आ गया लग रहा है। उधर से एंट्री किए थे, इधर से एग्जिट हुआ। बहुत सही, ये था वो रास्ता जहाँ से हम आने वाले थे लेफ्ट साइड से, और ये जो दिख रहा है यहाँ से वहाँ है। तो मतलब एक राउंड चक्कर मार के मार्फा आ चुके हैं। मार्फा अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, दिखाएंगे। अभी चलते हैं मुक्तिनाथ की तरफ। ये बहुत ही एक छोटा सा पुल है यहाँ पे, जो सिर्फ बाइक्स के लिए है, और कार अगर जाना है तो नीचे जाएंगे ऐसे। तो वहाँ पे हमारी बाइक, और मुक्तिनाथ यहाँ से है अराउंड 24 किलोमीटर्स पास में ही है, विद इन 40 मिनट से पहुँच जाएंगे। तो इसलिए रुके यहाँ पे। ये है क्या होटल, ये मुस्ताद चूल्हा। यहाँ से आपको व्यू कुछ अलग नहीं दिखेगा, ब्राउन पहाड़ है, ब्लू स्काई है। जो दिखेगा आगे मुक्तिनाथ में दिखेगा। और आज हम लोग स्टे करने वाले हैं मार्फा में, जो जगह मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली है मार्फा। बहुत ही एक अच्छा जगह है जो कल हम लोग आपको घुमाने वाले हैं मार्फा। तो आज मुक्तिनाथ से निकल के आएंगे मार्फा, मार्फा में स्टे करेंगे। तो अभी पहले जाते हैं खाने के लिए। उसको नहीं पसंद है। तुमको क्या पसंद है? नेपाली बोलो। उसको नाम कुछ क्या है? तेरा नाम क्या हो? क्या बोला? मनोज। I don't know. मनोज बोला। I can't pronounce it. मुक्तिनाथ यहाँ से और है 14 किलोमीटर्स, और रास्ता जो है ऐसा ही है। अपने हिसाब से ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, जैसा कि पहले आ चुके हैं उससे तो बेटर ही है। बस ये है कि स्पीड नहीं चला पा रहे, और यहाँ से जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा रॉ है, रॉ है। ये मस्तांग एरिया है, अपर मस्तांग भी एक जगह है जहाँ पे इंडियंस को जाने के लिए अलग से परमिट बनाना पड़ता है, क्योंकि वो इससे भी बुरा है। मतलब बोल सकते हो कि उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। सबसे खराब से खराब चीज जो आपके दिमाग में आ रही है वो आप डिस्क्राइब कर लो अपर मस्तांग को। वहां पे ना ज्यादा लोग हैं, ना ऐसे कुछ जैसा भी दिख रहा है आपको, ऐसे भी रोड नहीं है, बिल्कुल ऐसे भी रोड नहीं है। समझ लो कितना खराब रोड होगा, मतलब रोड ही नहीं है। आपको जाना है अपने हिसाब से, कहाँ जाना है आप समझ लो। अपर मस्तांग पूरा वैसा है। लोग वहां पे नॉर्मली ट्रैक करने जाते हैं, बाइक पे बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ के लोकल है वो जाते होंगे, और बाहर से फॉरेनर्स जाते होंगे। हम इंडियंस तो उतने गए नहीं अभी तक। तो उसका जो परमिट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अराउंड $500 के आसपास है, करीब 36,000 के आसपास आपको सिर्फ परमिट चाहिए अपर मस्तांग जाने के लिए। और वहाँ पे है क्या? कुछ नहीं, पूरा सुनसान पहाड़ और सन्नाटा। तो उसके लिए अगर आप कभी सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना है आपको, तो आप जा सकते हो। तो ट्राई करना है कि ग्रुप्स में जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज है, बाइक साइड हो जा रहा है ऐसे, मतलब ऐसे हो जा रहा है एकदम पूरा। देख लो कैसे हो रहा है, ऐसा बाइक साइड हो जा रहा है हवा से, इतने तेज हवा आ रहा है। यहाँ का एक मेन टर्निंग है जहाँ से
आप जाओ तो कागबेनी पड़ेगा, तो ध्यान रखें इस बोर्ड को अच्छे से देख लेना। बस अभी हम पहुंच गए मैप नॉट इन स्केल। अंदर जा सकते हैं, एंट्री फीस 20 रुपए। ये तो स्पेशल पॉइंट। पहुंच चुके हम मुक्तिनाथ के पास, यहाँ कर दिए बाइक पार्क। बाइक आपको ले जाना है, यही पार्क करना पड़ेगा। ऑप्शन पीछे नीचे रखते हो, लेकिन चल के आना पड़ेगा, फालतू का मतलब नहीं है। तो यहाँ बाइक पार्क कर दो, पार्क करने के बाद यहाँ से 325 सीढ़ी चढ़ के आपको जाना है ऊपर। तो चढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत ही दर्दनाक, हाथ कांप रहा है चला चला के बाइक। ऐसा रास्ता था बट इसी के लिए आना था। अब चलते हैं ऊपर। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ चढ़ते हुए? अभी आस्था की भावना आ रही है। कितना मेहनत किए हैं आप यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये ना पूछे, ये सरासर जुल्म होगा ये पूछना कि हमने कितना मेहनत किया है यहाँ पहुँचने तक। और यहाँ से देखिए व्यू, वो पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, और एक महीने के अंदर में ये पूरा बर्फ से ढक जाएगा। जो भी आपको ये ब्राउन दिख रहा है, ये ब्राउन रहेगा नहीं। और तो अभी बहुत ज़्यादा ही थक जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी थका हुआ है, तो चढ़ने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा, जैसे कि ये थक चुके हैं पूरे। कुछ बताइए एक्सपीरियंस। इतना क्यों थक जा रहे हैं आप? क्योंकि ये मुक्तिनाथ है। तो ज़्यादा नहीं, और आधा बाकी है, चढ़ते हैं। तो ये है एंट्री गेट मुक्तिनाथ का। ये है ज्वालामाई का रास्ता, यहाँ से इस तरफ इधर भी जाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये 108 जल धाराएं हैं जो कि आ रही है ऊपर पहाड़ों से, तो सब इससे नहाते हुए जा रहे हैं। तो हम तो नहाएंगे नहीं, थोड़ा सा पानी ले लेंगे बस सर पे, ठंड बहुत है यहाँ पे। ले तो यहाँ पे ऐसे नहाते हैं लोग। तो हम बढ़ते हुए ज्वालामुखी की ओर, अब पता नहीं है क्या चीज, लेकिन आगे एक मूर्ति दिख रहा है बुद्ध भगवान का, चलते हैं वहां तक। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान का एक
मूर्ति है, ये शायद ज्वालामुखी से बना है ना किससे बना है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन मूर्ति दिख रहा है। किसी को पता है तो बताओ ये है क्या जगह, मतलब लिखा तो वहाँ ज्वालामुखी था लेकिन है क्या। और नीचे एक हेलीपैड है, तो जो पोखरा से अगर आना चाहते हैं वाया हेलीकॉप्टर तो ये यहाँ लैंड करेंगे। और ये है नेपाल का झंडा। तो कर लिए हम लोग दर्शन मुक्तिनाथ का और अभी जा रहे हैं नीचे की ओर। आज रुकेंगे हम लोग मार्फा पे, यहाँ से मार्फा करीब 35 किलोमीटर के आसपास हो है, तो डाउन रास्ता है, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे और पता नहीं वापस यहाँ कब आ पाएंगे जिंदगी में, तो इसीलिए सब कैप्चर कर लिया।